व्यूअर्स, इस वक्त हम आपको लिए चलते हैं उस अजूबे की तरफ जिसकी एक अपनी तारीख है, लेकिन इसके साथ साथ आपको ये जानना बहुत लाजमी भी है क्योंकि टूरिस्ट यहाँ पे आते हैं अक्सर हमारे लोकल्स के अलावा नेशनल और इंटरनेशनल टूरिस्ट को इतना मालूम नहीं होता। तो आज हम आपको वहाँ लेके चलते हैं, आपको दिखा देते हैं और आपको बता देते हैं कि उसकी असल तारीख है क्या और आजकल के मानून उनको किस तरह लिया जाता है। व्यूअर्स, यही हमारी गिलगित बल्तिस्तान की खूबसूरती है, चारों तरफ हरियाली हरियाली, रब ने बहुत सारा इस एरिया को नवाजा हुआ है खूबसूरती से। और यूँ आप देखें कि ग्रीनरी हर तरफ, और यही वो जगह हैं जिनके बारे में दीगर पाकिस्तान के शहरों में रहने वाले लोग दे ड्रीम अबाउट और दे वॉन्ट टू विज़िट। और यूँ तकरीबन आधे एक घंटे की मज़ीद हमारे पास मुसाफत होगी, उसके बाद हम लोकेशन पर पहुँच जाएँगे और वो आपको अजूबा दिखाएंगे जिसके बारे में तारीख हमारे पास मौजूद है, जिसको मिथ कहे तो इसमें कोई गलत नहीं है क्योंकि पुराने लोगों से ये बात चलती आ रही है। यहाँ धूप भी है, लेकिन इस एरिया में धूप का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि लाहौर या कराची या दीगर शहरों की तरह यहाँ पे आप चल नहीं सकते। तो इस वक्त धूप के बावजूद 18 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और ये खूबसूरत वादियाँ अपनी मिसाल आप। दिस इज़ ब्रेथ टेकिंग व्यू ऑफ दिस एरिया, आप देख सकते हैं ये जो खूबसूरती है, ये पहाड़, ये खूबसूरत वादियाँ, जोंड्रोट ये एरिया है, ये बड़े बड़े पहाड़, और ये जो आप कुछ वादी नज़र आ रही है ये वादी यासीन है, और फिर आपको ये दूसरा एरिया है, यहाँ से आप होते हुए इस वादी से होते हुए आप चित्राल की तरफ जा सकते हैं, राइट टू लेफ्ट ये जो हमारा एरिया है ये। और बाकी हम जिस तजुबे की बात कर रहे थे वो उसका तकरीबन 10% हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। हम उस लोकेशन पे पहुंचे हैं जिसको आम अल्फाज में फेरी डोर भी कहा जाता है, और ये जो पहाड़ी देख रहे हैं ये जो दरवाजे की शक्ल में है इसकी एक अपनी हिस्ट्री है। ये बुजुर्ग दादी रहा करती थी, 1900 से 1950 के दरमियान एक मिथ बनी है वो बताते हैं हमारे बुजुर्ग के, उस दादी के दो भाई थे और एक बहन थी, और एक भाई दहीमल में और एक भाई शुमाल में और एक बहन रोशन में इस वक्त है। तो इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि फ्राइडे को ये डोर ओपन होता था और लोगों को एक महक आती थी और काफ़ी सारी लाइट वहाँ से आ जाती थी। इस लाइट से ये लोग तायुन करते थे कि आज फ्राइडे भी है, तो फ्राइडे का तायुन भी इस लाइट से किया जाता था। ट्रिमाउन जोंड्रोट का ये जो नाला है, इस नाले के साथ ये वाक़ डिस्ट्रिक्ट गिजर में ये वाक़ है, और इसका एक तो यहाँ पर है जो कि आपको रोड से यहाँ तक आपको वॉकिंग डिस्टेंस है, जिसमें आपको 40 मिनट से एक घंटे तक आपकी मसाफत है और उसके बाद आपने यहाँ पहुँचा है। विवल छिरमयन का ये नाला खूबसूरती के लिहाज से तो ये है ही है, लेकिन एक बार फिर हम आपको ये बता दें कि ये जो गेट है इसके सेंटर में एक तलवार सा बना हुआ है, किरपान जिसको हम कहेंगे, किरपान सा बना हुआ है, बिल्कुल जुदा है वो, और वो बारिश हो जलजलाए वो गिरता नहीं है। और इसके अलावा इसकी जो जहाँ पे ज़मीन के अंदर ये गेट है वो भी यूँ होता है कि जब भी ये सैलाब आ जाए, एक मिथ है कि उसकी तरफ बहाव बहुत कम होता है, और नजरी तौर पर वहाँ पर मट्टी और पत्थरों की तरफ से इस तरह प्रोटेक्शन की गई है कि वो गेट की तरफ ज़्यादा जो है उसकी कटिंग नहीं होती है मट्टी की, जिसकी वजह से ये काफ़ी सेफ है। व्यूअर्स, इसकी ऊंचाई तकरीबन 300 से 350 फीट है, जबकि इसकी चौड़ाई 70 से 90 फीट के दरमियान है। ये जो कटिंग हो गई है ये कोई आम बंदे की बस की बात नहीं है, ये नेचुरली तौर पे ही हो सकता है, और जिस तरह उस बुजुर्ग दादी की बात करते हैं तो उन्होंने खुद कोशिश किया हुआ। अब इसके साथ जो हमारी बुजुर्ग दादी थी उसकी एक और बात ये भी मशहूर है कि इसके जो लिफ्ट पे गेट बनने के लिए तैयार है, यहाँ पे दादी ने अपने भाई के लिए गेट बनाने की कोशिश की, और जब उनसे पूछा कि यहाँ पर घर बनाना है तो इन्होंने वहाँ घर बनाने से इनकार किया था और कहा था कि हमारी लोकेशन तब्दील हो ताकि उस मुताबिक हर जगह की एक अपनी इम्पोर्टेंस हो।
ऑफकोर्स वो एरिया जिसकी हम बात कर रहे थे कि दूसरा एरिया जो मेन रोड पे है, जहाँ पे लोग बुजुर्गदारी के नाम पे कोई भी पैसे या कोई भी यहाँ पे अपने कीमती माल को यहाँ पे रखा जाता है, तो ये वो पत्थर है जहाँ पे अक्सर जो है ना सफ्ते में कोई मुर्गी ज़बह किया जाता है। आप देख सकते हैं कि ये खून, ये एरिया यहाँ पे है और यहाँ पे कोई बंदा कुछ भी जाते आते जाते जो फर्स्ट टाइम आ जाए वो यहाँ पे रख सकता है। तो इसी तरह हमारी एक मिथ है